होंगे। और उस सूत्र के बाद से एक खबर सामने आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बूरा, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम की अगुवाई में रोहतक में बीजेपी में ये सभी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में कई नेता शामिल हो रहे हैं, सीएम की अगुवाई में रोहतक में ये सभी बीजेपी में शामिल होंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम मनोहर लाल का रोहतक दौरा रहेगा और फिर वहां पर सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा भी बीजेपी में शामिल होंगे और सीएम अगुवाई में उनकी शामिल की जाएगी, सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में शामिल होंगे कई बड़े चेहरे बीजेपी के गुंडे में आज। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम मनोहर लाल का रोहतक दौरा और इस दौरान बीजेपी में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रह चुके सुभाष बराला को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है। सुभाष बराला प्रमुख जाट और किसान नेता होने के साथ ही हरियाणा राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन भी हैं और जिसके अंतर्गत राज्य के सभी बोर्ड एवं निगम संचालित होते हैं। सुभाष बराला को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद सुभाष बराला को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी की गई है। सुभाष बराला को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। सुभाष बराला अब राज्यसभा के उम्मीदवार बन गए हैं और आपको बता दें कि प्रमुख जाट और किसान नेता हैं सुभाष बराला और इस फैसले के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी की है। हरियाणा से सुभाष बराला को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है और आपको बता दें कि प्रमुख जाट और किसान नेता हैं और इस निर्णय के बाद सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी की है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हरियाणा के मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको बता दें कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अनिल रंग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भामू भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हरियाणा के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अनिल रंग इस दौरान मौजूद होंगे। किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान हरियाणा के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको बता दें कि इस दौरान स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अनिल रंग मौजूद रहेंगे। साथ ही किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हरियाणा के मुख्यालय में होनी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अनिल रंग मौजूद रहेंगे और उनके साथ ही किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है तो वहीं शंभू बॉर्डर पर सड़कों पर कीले लगा दी गई हैं जिससे कि किसानों को रोका जा सके। वहीं पंजाब से हरियाणा में एंट्री को रोकने के लिए बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं अम्बाला में पंजाब के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर से खदेड़ा है लेकिन किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। तेरह तारीख को किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं जिसको लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है।
बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। और आपको बता दें कि सड़कों पर कीले बिछा दी गई हैं जिससे कि ट्रैक्टर आगे ना बढ़ सके, और शंभू बॉर्डर पर भी नाकेबंदी कर दी गई है ताकि किसानों को आगे बढ़ने ना दिया जा सके। और किसान हालांकि अभी तक अपने इस फैसले पर अड़े हुए हैं कि 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन भी तैयारियां कर चुकी है और सभी जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है, सभी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। धारा 144 भी चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ सहित कई इलाकों में लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, किसान भी पूरी तरह से तैयार है, वो दिल्ली कूच करने वाले हैं 13 फरवरी यानी कि कल, और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने की खबर सामने आ रही है। किसान संगठनों का दिल्ली कूच का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री से किसान अब इस पर बातचीत करेंगे। किसान संगठन अपनी बात और अपनी मांगे रखने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। किसान संगठनों का दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ये फैसला सामने आया है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किसानों ने कर दिया था, जिसके बाद अब केंद्रीय कृषि मंत्री से किसान बातचीत करेंगे। किसान संगठन इस दौरान अपनी मांगे सामने रखेंगे। सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत होगी। किसान संगठनों का दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ये फैसला सामने आया है। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, और जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से अब किसान संगठन मुलाकात करेंगे। इस दौरान किसान अपनी मांगों को सामने रखेंगे। किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होगी। आप बता दें कि सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत होगी, और किसानों ने अपना दिल्ली कूच का ऐलान यूं रखा है और किसान ने कह दिया है कि हम अभी तक अड़े हुए हैं और सहमति अभी तक सरकार के साथ नहीं बन पाई है, जिसको लेकर अब बातचीत होनी है सरकार और किसान के बीच। और इसमें किसान अपनी मांगों को सामने रखेंगे, किसान अपनी बातों को सामने रखेंगे। किसान संगठनों का दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ये सामने आया है फैसला, कि जिसमें अब केंद्रीय कृषि मंत्री से किसान बातचीत करेंगे और अपनी मांगों को अपनी बातों को केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने रखेंगे। इस मीटिंग के बाद ही फैसला सामने आएगा कि दिल्ली कूच करेंगे किसान या नहीं। आपको बता दें कि 13 फरवरी को किसान का दिल्ली कूच होना है, जिसके बाद अब ये फैसला आया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री से किसान की बातचीत होगी। इंद्री करनाल रोड पर गांव नोरसा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में थाना प्रभारी अजायब सिंह ने कहा कि अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। के पास कोई अज्ञात व्हीकल इसको मार के चले गया। मौके पे देखा दोनों एक्टर। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? हाँ सर, अभी ये इंद्री का रहने वाला है, तो दूसरे की। तो कितनी उम्र के लड़के हैं सर? एक तो 16-17 साल का है और एक 20-22। तो गाड़ी जो टक्कर मार के गई पता चला उसका? वो सर अज्ञात वाहन था, काफी कंजेस्टेड है। और ये पतंगे लेकर जा रहे थे, बसंत पंचमी का त्यौहार है, पतंगे भी मिली है? अब पतंगे साथ थी, मोटरसाइकिल भी जा रहे थे सर। सर यहाँ से मैं डेली जाता हूँ, मेरे को 3 साल हो गए यहाँ से जाते हुए, मेरे को बहुत दिक्कत होती है यहाँ से, तो ना लाइटें ना, इतने खड्डे भी हैं बीच में सड़क में। इसमें सालों साल हो चुके हैं रोड बने, लेकिन लाइटें नहीं लगी अभी तक। नहीं, मैं रोज जाता हूँ भैया, रोज मैं कभी ना कभी, रोज फिर मेरे को ऐसा दिन नहीं होता कि मैं कभी एक्सीडेंट ना देखूँ यहाँ। कई लोगों की जान जा चुकी है? बहुत, दो लोगों की जान। आज भी दो लड़कों की गई है? हाँ जी हाँ जी। तो आप भी जब घर नहीं पहुंचते होगे, डर रहता होगा घर वालों का? जी यहाँ से मेरे को, मेरी मम्मी भी फोन करते हैं रोज की, टाइम से चल पड़े, टाइम से। दो लोगों की मौत हुई है? दो लोगों की मौत। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है। इंद्री से यह खबर सामने आई है, जहां पर एक सड़क दुर्घटना में दो बाइक सवार की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण मौके पर ही अज्ञात वाहन के टक्कर मारने के बाद बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई है।
वहां के लोगों का कहना है कि सड़क की व्यवस्था इतनी खराब है जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, सड़क पर इतने गड्ढे हैं जिसकी वजह से। तो शाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दरअसल बदमाशों ने 12 साल के छात्र राघव के अपहरण की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझा पाई है, जिससे लोगों में गुस्सा है और लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए तुरंत बच्चे को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़वाने की मांग की है। तो शाम व्यापार मंडल के प्रधान जोगिंदर मलिक ने कहा कि अगर 10 बजे तक अपहरणकर्ता नहीं पकड़े जाते हैं तो व्यापार मंडल ग्रामीणों से बातचीत कर अगली रणनीति बनाएंगे, चाहे उन्हें पुलिस थाने का घेराव करना पड़े या रोड जाम करना पड़े। लोगों ने कैंडल मार्च निकाली है आरोपी के पकड़ने के लिए, ये कैंडल मार्च निकाली गई है और लोगों की ये कैंडल मार्च प्रशासन के खिलाफ है। उन्होंने अपील की है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए और अगर 10 बजे तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता है तो ये कैंडल मार्च जारी रहेगा। तो शाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च निकाला गया है क्योंकि हमारा राघव बेटा जो 48 घंटे जिसको हो गए हैं अब तक बरामद नहीं हुआ है और इसलिए कैंडल मार्च निकाला गया है। तो अब आपने क्या योजना बनाई है, धरना कर रहे हैं आप यार चौक में बैठे हैं, बाजार बंद है 2 दिन से, अब आपकी क्या रूपरेखा है? हमारा 2 दिन से लगातार बाजार तो बंद है ही, उसके अलावा चौक के अंदर धरना दे रखा है और कल 10 बजे दोबारा से हमारी रणनीति तैयार करेंगे, चाहे हमें पुलिस स्टेशन का घेराव करना पड़े या फिर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े, तो चाहे वो रोड जाम की बात हो, तो जो भी हमसे बन पड़ेगा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पूरा व्यापार मंडल गांव गुहांड और क्षेत्र का इलाका और सभी संगठन हमारे साथ। तो शाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और उन्होंने पुलिस से आरोपी को पकड़ने की अपील की है। पुलिस से उन्होंने मांग की है कि जल्द ही वो आरोपी को पकड़े जिसके लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है। तो शाम में और लोगों ने पुलिस के खिलाफ ये कैंडल मार्च निकाला है, आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग पुलिस से करते हुए लोगों ने इलाके में कैंडल मार्च निकाला है। ये किडनैपिंग का मामला सामने आ रहा है जिसमें अभी तक आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, जिसके खिलाफ लोगों ने अब ये कैंडल मार्च निकाला है सड़कों पर उतर के, और लोगों ने पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द किडनैपर को पकड़ा जाए, आरोपी को पकड़ा जाए। तस्वीरें आप तो शाम से देख रहे हैं। तो शाम की ये तस्वीरें जहां पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, पुलिस से कैंडल मार्च निकालते हुए उन्होंने अपील की है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए। आपको बता दें कि पूरा मामला किडनैपिंग का है जिसमें अभी तक किडनैपर को पुलिस नहीं पकड़ पाई है और जिसके चलते लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है और पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द आरोपी को किडनैपर को पकड़ा जाए।
निकाला गया है, जो कि हमारे राघव बेट हरियाणा के जिंद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकलव्य स्टेडियम में रविवार को संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि रैली में भीड़ इतनी अधिक थी कि एकलव्य स्टेडियम छोटा पड़ गया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनाई गई संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार कर्मचारियों की एकजुटता को देखकर लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली लागू करवाकर ही दम लेंगे। बता दें कि पिछले साल जून में कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली थी और 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारियों ने रैली की थी। इसमें भी काफी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया था। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष धारीवाल ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, लेकिन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जींद की इस वीर भूमि पर उपस्थित हजारों लाखों की संख्या में मैं कहूंगा सभी कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। आपके ओल्ड पेंशन स्कीम संकल्प के उपलक्ष्य में जो आपकी पेंशन बहाली संघर्ष समिति है, उसके हमारे वीरेंद्र जी जो उसका संचालन कर रहे हैं और सभी उस समिति के बहुत से सभी सदस्यगण, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सभी सदस्यगण जो समिति के सदस्य हैं जिनका बहुत संघर्ष, हरियाणा उन संघर्षों की गवाही दे रहा है। हरियाणा कोने कोने में आपने हर रूप से पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो संघर्ष किया है समिति ने और सभी कर्मचारियों ने, मैं आप सबको उस संघर्ष के लिए कोटि कोटि एक बार फिर नमन करना चाहता हूं, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हैं। ये आपके जो अधिकार, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो अधिकार, हमने भी बार बार मांग करी सरकार से, हर स्तर पर मांग करी, केंद्र सरकार से भी और हरियाणा में प्रदेश सरकार से भी, कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो, उसका लाभ हरियाणा कर्मचारियों को मिले। जब देश में बहुत से प्रदेशों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है, तो जो हरियाणा एक समय में 2013-14 के समय याद करें तो प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर एक था हमारा प्रदेश, तो एक समृद्धि की पहचान थी उस समय हरियाणा की। अब थोड़ा पीछे जरूर गया विकास दर में, लेकिन आज भी देश के अग्रणी राज्यों में है। तो जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे प्रदेशों में और यहां तक कि पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में जो आर्थिक मापदंडों के अनुसार जिन प्रदेशों से हरियाणा कहीं आगे है, तो उस प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य की सुरक्षा करने के लिए हरियाणा सरकार क्यों कदम नहीं उठा पा रही, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। जो कर्मचारी हमारे हरियाणा प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा करते हैं, उन कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, हर राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मांग नहीं मानी गई और अंततः अब आज, क्योंकि आज 24 मई ना सिर्फ
लोकसभा लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी जब बिगुल बजने का समय आ गया, एक महीने के बाद लोकसभा चुनाव और उसके लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव, जब ऐसा समय आ गया तो आज हम इस मैदान से मैं प्रदेश का एकमात्र विपक्ष का सांसद होने के नाते आज आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश से 15 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 10 लोकसभा 5 राज्यसभा 14 भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के हैं, मैं एकमात्र विपक्ष का के सांसद के रूप में भी आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नुमाइंदे के रूप में भी मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज होडल में चौधरी उदय भान जी के क्षेत्र में बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली थी, तो हुड्डा साहब और उदय भान जी वहां उस रैली में और उस रैली से विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका संदेश लेकर भी, पार्टी का संदेश देकर भी मैं सीधा रैली से यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक हमारी इंप्लाई खेल महकमे में एक बेटी जिनके मान सम्मान की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होनी चाहिए, राजधर्म उसको निभाना चाहिए, ऐसी एक हमारी बेटी ने जब हमारे एक कैबिनेट के मंत्री पर एक कहा कि उनने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच के विधानसभा में खड़े होकर कहा कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहेंगे। आज मैं भी आज आपके बीच में कहने आया हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। आज यहां पर जींद की इस वीर भूमि पर उपस्थित हजारों लाखों की संख्या में मैं कहूंगा सभी कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, नमस्कार।